सर, जिस तरीके से धारा 370 का सरकार ने हटा दिया है तो बसपा ने आउटराइट समर्थन भी किया है, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए, मेरा कहना ये है, जिस तरीके से धारा 370 को हटाया गया है, एक तरीके से बहुत हाईलाइट किया गया है, एक समुदाय को निशाना बना के किया गया है, जो ये तरीका हटाने का गलत था। इसके हटने से वहाँ गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, जो दलित समाज के लोग हैं या पिछड़े लोग हैं, उन्हें भारी तादाद में फ़ायदा पहुँचेगा। ये सही है कि उस धारा 370 से चंद ही लोगों को फ़ायदा पहुँचता था, बाकी लोगों को नुकसान पहुँचता था। इसलिए उनके फ़ायदे की वजह से बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को समर्थन नहीं किया, बल्कि जो वहाँ कमज़ोर, मजलूम, बेसहारा लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने इसका समर्थन। आपका पॉलिटिकल समर्थन तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि सही है इसलिए समर्थन आपने किया। क्या कांग्रेस कमज़ोर थी जो नहीं हटा पाई? अब ये कांग्रेस का शासन जाने उनकी। अच्छा, एक दूसरा मुद्दा इस समय चल रहा है आजम खान को लेकर। जी, आजम खान के जिस तरीके से विवादित बयान आए, उसको लेकर अब सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया। आजम का ऊपर मुकदमा हुआ, उसके बेटे को मुकदमा हुआ, चोरी की किताबें वहाँ से मिली। तो आपका क्या कहना है कि आजम क्या बड़बोले नेता हैं या सरकार गलत कर रही है? देखिए, सरकार जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पर FIR दर्ज कर रही है, वो सरकार का तरीका गलत है। जांच करने के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, अगर दोषी नहीं पाए जाते तो ये उचित नहीं है। आजम ने जो महिलाओं के लिए कहा, महिलाओं का अपमान किया, तो क्या ऐसे नेताओं को जगह मिलनी चाहिए विधानसभा में, संसद में? देखिए, उन्होंने अगर महिलाओं का अपमान किया तो उसके लिए उन्होंने सॉरी भी कहा, माफ़ी भी मांगा। तो हो सकता है कोई गलती हुई हो, माफ़ी मांग ली तो उसका मुद्दा ही खत्म हो गया। मुद्दा खत्म। इसके अलावा एक सेंगर और या कांड, जो सेंगर विधायक थे भाजपा सरकार के, उनके भतीजे पर रेप का आरोप लगाया, सरकार ने कार्रवाई तो की है, क्या इतना कार्रवाई होना बहुत नहीं मुनासिब नहीं है? बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से पूरे परिवार को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक विधायक ने, मौजूदा सरकार में बैठे हुए विधायक ने अपनी ताकत के बल पे परिवार के कई सदस्यों की हत्या करा दी। आखिर में जो पूरा परिवार ही एक तरीके से नष्ट कर दिया। उस बच्ची के साथ भी किस तरीके की घिनौनी हरकत की गई, ये कोई सज़ा कम नहीं है जो सरकार दे रही है। आपका एजेंडा क्या है सोशल इंजीनियरिंग के तहत? कैसे सुधरेगा बसपा का ग्राफ? बसपा का ग्राफ बहुत तेज़ी से सुधर रहा है और सुधरा हुआ है बसपा का ग्राफ। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक जो सिस्टम बनाया है, उसके आधार पर हमारी पार्टी काम कर रही है। आज सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था पर क्या कहना है? प्रदेश कानून व्यवस्था तो बिल्कुल जंगल राज है प्रदेश में। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कितने कांड हो रहे हैं, किस तरीके का माहौल है। और अपनी वाह लूटने के लिए यहाँ के अधिकारी झूठे इनकाउंटर कर रहे हैं, ये सब कुछ साबित जाहिर हो रहा है। आज इनाम घोषित होता है, कल उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है।